मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक कर अवैध तरीके से शराब निर्माण और शराब के धंधे में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासनिक कार्रवाई करने की जो मुहिम चलाई है उसका असर देखने को मिल रहा है। उत्पाद विभाग और ALTF सेंट्रल टीम पुलिस के संयुक्त छापेमारी में सादिकपुर दियारा में चुलाई शराब की 20 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। साथ ही साथ 25 लीटर चुलाई शराब और 45,000 किलो जावा महुआ को घटना स्थल पर विनिष्ट किया गया। इस बार भी ड्रोन की मदद से पहले जगह को देखा गया जहां अवैध निर्माण किया जा रहा था। हालांकि ड्रोन को देखने के बाद शराब माफिया दूर से ही देखकर फरार हो जाते हैं। उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।